Daily Bulletin is presented by Manu Multispeciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchhale and Sons Cloth Merchants. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government ETI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर एक्लिप्स की। आज बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं सोलर एक्लिप्स जो 8 तारीख को जो हमने हाल ही में बताया था सोलर इरप्शन, लेकिन आपको बता दें कि इंडिया में इसका कोई भी विजिबिलिटी नहीं बता रही। जितनी भी विजिबिलिटी इसकी आ रही है वो अमेरिका में आ रही है। तो अब देखना ये होगा कि कल कैसे कैसा ये मोमेंट होगा, लेकिन आप भी अपनी जगह जो है थोड़े एहतियात करें, बाहर ना निकलें। खासतौर पर ऐसा मोमेंट चल रहा हो, 12 से लेकर 3 बजे के टाइम तक जो है मैं समझता हूँ ये इवेंट जो हो रहा है, तो उस टाइम थोड़ा आप लोग जो है अपनी जगह पर। बहुत सारे लोग जो है अंधविश्वास जो लोग हैं, जो बच्चों को जो बॉन्ड जो ठीक तरीके से नहीं होते उनको जो है मट्टी में डालते हैं करते हैं, इससे पहले भी ऐसे चीज़ें हुए थे। तो आप लोग जो है अंधविश्वास ना रखें, कुदरत पर भरोसा रखें, और ये एक फिजिकल इवेंट है सोलर एक्लिप्स का, उसे जितना हो सके उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। बात करते हैं नेशनल न्यूज़ की, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी ने खरगे जी के रिमार्क को स्लैम किया है जम्मू कश्मीर के चलते। टुकड़े टुकड़े गैंग का ये माइंडसेट है। हाल ही में हमने आपको बताया कि अमित शाह ने इस तरह का बयान दिया था, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे को चलते हुए उनका ये बयान था कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 है उसे वापस ये किया जाएगा और जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का वो वापस इसे दिया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा नरेंद्र मोदी जी ने कि 370 जो है नथिंग टू डू विद राजस्थान। उन्होंने कहा कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंट्री नहीं है क्या जम्मू एंड कश्मीर, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का ये माइंडसेट, इस तरह की बात उन्होंने कही। प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि सिक्योरिटी पर्सनल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग राजस्थान एंड बिहार अपनी जिंदगी लड़ा चुके हैं टेररिस्ट से लड़ने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए। उन्होंने कहा कि जो ये संविधान की बात करते हैं, ये संविधान उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं किया। जब बाबा साहेब अम्बेडकर इतना मानते हैं, जब जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने संविधान नहीं लाया, जब उन्हें मोदी की जरूरत पड़ी ये संविधान लाने के लिए। वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी के 7 फॉरेन स्टूडेंट्स को वेकेट करना पड़ा हॉस्टल जब वहां पर चली नमाज के चलते हुए जो गड़बड़। जी हाँ, 6 स्टूडेंट जो आ रहे हैं अफगानिस्तान से और ईस्ट अफ्रीका की है, उन्हें गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को खाली करना पड़ा वहाँ पर जो ओवरस्टे करने के लिए। जो मूव आया है फॉरेन स्टूडेंट को चलते हुए, जहाँ पर नमाज वहाँ पर पढ़ी जा रही थी प्रीमाइसेस में, उसी को चलते हुए अफगान और एक डेलीगेशन था उन्होंने यूनिवर्सिटी के विजिट किया और अटैक हुआ वहाँ पर। वाइस चांसलर ने सेफ्टी मेजर्स के चलते हुए पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाया और वहाँ पर 6 स्टूडेंट जो 6 अफगानिस्तान के हैं और 1 ईस्ट अफ्रीका से, उन्हें हॉस्टल के रूम्स को वेकेट करने की जो है मांग की है, क्योंकि वो ओवरस्टे यहाँ पर कर रहे थे। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2024 डिपार्चर है 10 जून और अराइवल है 18 जुलाई। मक्का और मदीना के होटल्स आपको 4 स्टार मिलेंगे। मुअल्लिम सी कैटेगरी के ओल्ड मीना से आपको मिलेंगे और इसका प्राइस आ रहा है 7 लाख रुपीज। जागीरदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनाम द पेट्रोल पंप आप विजिट करें और अब्दुल जावेद साहब को कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। उसके ममता बनर्जी का आया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि सेंट्रल एजेंसीज जैसे ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से धमकी आ रही है टीएमसी लीडर्स को कि आप बीजेपी ज्वाइन करें या फिर फेस करें एक्शन। यानी कि कहीं ना कहीं अपोजिशन लीडर्स को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। अब ये बात खुद ममता बनर्जी भी इस बात को समझते आ रही हैं। इलेक्शन रैली पुरेला डिस्ट्रिक्ट में चल रही थी जहाँ पर उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये सबसे बड़ा इशू है 2024 के लोकसभा इलेक्शन का और उसी बात की गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जो है कांग्रेस पार्टी जब पावर में आएगी तो ये काम पूरा होगा और जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है उस पर ये काम करती रहेगी। कंट्री 70 से 80 लाख यूथ्स हैं जो लेबर फोर्स पर काम कर रहे हैं। 2012 से लेकर 2019 तक 0 ग्रोथ हुआ है एम्प्लॉयमेंट में। वही कर्नाटक की अगर बात करें तो डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सीतारामन जी को शुक्रिया अदा कहा है, कहा कि आपने जो इनजस्टिस हुई है कर्नाटक को उसके बारे में आपने कुछ तो कहा है। उन्होंने कहा कि जो डिले हुआ है प्रोवाइडिंग ड्राफ्ट रिलीफ, यानी कि जो बरगाल की जो रिलीफ थी कर्नाटक की तरफ से वो जो नहीं पहुंची बोल के बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने सच मान लिया है जो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया था, जो बीजेपी बयान दे रही थी कि हमने बरगाल के लिए कुछ भी एप्लीकेशन नहीं दी अब तक, वो बिल्कुल बात गलत है।
अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स शरा टॉवर्स एमएसके मिल रोड गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद बसेश्वर कॉलोनी अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री मुस्लिम चौक अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स यदुला कॉलोनी अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड ओल्ड जवरगी रोड 5 करोड़ रुपए कैश 106 kg ज्वेलरी ये किसी को नहीं मिल रही है ये पुलिस डिपार्टमेंट के कंट्रोल में आ चुकी है क्योंकि कर्नाटक में पुलिस डिपार्टमेंट पोल्स के अहेड में ये क्रैकडाउन किया है इतनी सारी चीज़ें आपको मिली हैं कर्नाटक की पुलिस को एक मेजर रेड हुई लोकसभा पोल्स चलते ये बेल्लारी के टाउन में हुई है कर्नाटक में जी हाँ आपको बता दें कि कई सारा कैश 5.6 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है और ज्वेलरी भी यहाँ पर मिली है नरेश जो कि एक ज्वेलरी शॉप ओनर है वहाँ से ये सारा रिकवरी हुई है ये हवाला लिंक के थ्रू ये मामला रजिस्टर किया गया है अब देखना होगा कि इसके ऊपर और इनकम टैक्स और फर्दर इंटीग्रेशन क्या होता है उसके बाद गुलबेगा से आपको बता रही अफसोस भरी खबर जहाँ पर दो वुमेन का मर्डर हुआ है जी हाँ हुन्नाबाद रोड तावड़गरा क्रॉस के आसपास के जो एरिया आता है वहाँ पर ये मर्डर हुआ है बताया जा रहा है कि पत्थर डालकर ये उन्हें मारा गया है लेकिन अब तक ये बात बताएं ये दो लोग जो है नेहरूगंज से आ रहे थे एक बस से लेकर मतलब काम करने वाले लेडीज ये थे एक का नाम जो है आ रहा है शरणामा जो कि 51 ईयर ओल्ड हैं एक है चंदामा जो कि ताज सुल्तानपुर के हैं 53 ईयर ओल्ड दोनों की बॉडी मिली और जो जिसने भी ये काम किया है अब तक वो पकड़ा नहीं गया है पुलिस डिपार्टमेंट अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ आर चेतन जी कमिश्नर पुलिस कनिका सिकरवाल जी डीसीपी पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद रहे और इस पर कार्रवाई चल रही है उसके बाद बात कर रहे हैं सैयद आरिफ फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया था दावत इफ्तार 6 अप्रैल को ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द गाइडेंसशिप ऑफ डॉक्टर जहीर शेख आपको बता दें कि हुफाज इकराम पेश इमाम और मौसम को फेलिसिटेट किया गया आसपास की एरियाज में जो आते हैं खासतौर पर एमएसके मिल्क बेल्ट पे वहाँ पर उन्होंने ये फेलिसिटेट किया और परवेज खाना फंक्शन हॉल में खाने का इंतजाम भी रखा गया था इफ्तार का इंतजाम यहाँ पर रखा गया था और कई सारे लोगों ने आए और डॉक्टर जहीर शेख और उनके भाई जुबेर साहब को भी जो है बहुत सारी दुआएं दी आई दिखते हैं आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं आज का थॉट ऑफ द डे है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड नेल्सन मंडेला का ये थॉट हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूं कि एजुकेशन हासिल करना बहुत जरूरी है तो एजुकेशन को हासिल करें और इस वर्ल्ड को चेंज करें Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbeka. Al Misbah Tours and Travels, Haj 2024, departure in 10 June or arrival in 5 July. कॉमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय बेग न्यूरोसाइकियाट्री हॉस्पिटल एंड डी एडिक्शन सेंटर डॉक्टर अब्दुल राफी मुख्तदिर बेग एमबीबीएस एमडी साइकियाट्री कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट अपोजिट गवर्नमेंट टीटीआई दरगाह रोड एसटीबीटी 24/7 एमरजेंसी साइकियाट्री सर्विसेज उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कॉमेंट सेक्शन में सबसे पहले कॉमेंट आया फातिमा शेख का लिखा सेंट्रल बोर्ड मिनिस्टर हैव टू टेक अ करेक्ट डिसीजन फॉर 10 स्टूडेंट्स बिल्कुल सही इंडिया का नया पत्र बहुत शानदार है लिख रहे मोहम्मद गयासुद्दीन खालिदा बेगम ने सलाम लिखा है अब्दुल माजिद ने सलाम लिखा है ईदगाह की अपडेट दीजिए बहुत जल्द से आती है अपडेट देंगे हम वालेकुम सलाम बहुत खान लिख रहे हैं मैं लाइट पोल ख़राब है किसको कंप्लेंट करना बोले ऑफिस बात है हमदर्द कॉलोनी में लाइट पोल आप जो है जसकॉम को कंप्लेंट करिए गुलबेगा हीट वेव के लिए बटर मिल्क कर्ट्स एंड ग्लूकोज प्लस बेड फूड फूड रिलैक्स दुआ फॉर INC टू विनर लिख रहा ऑन पैसिव का भाई कल सोलह एक्लिप्स है आपसे गुजारिश है कि आप दोनों का नमाज पढ़ के सबके लिए दुआ करें अल्लाह हम सबको हीट वेव से बचाएं आमीन बिल्कुल वैसे ही कहा वसीम अहमद साहब कल 7 अप्रैल तक है क्या हीट वेव बोल रहे हैं फिलहाल तो 7 अप्रैल तक है उसके बाद देखते हैं इरशाद अहमद साहब क्या होगा जाहिर खास में लिख रहे हैं अल्लाह गर्मी से हिफाजत फरमाए और बारिश अता फरमाए लिख रहे हैं कनीज फातिमा मैडम फमरुस्लाम के बर्थडे पे हेल्थ कैंप कर रहे थे उसमें एक आई चेकअप कर रहे थे और स्पेक्स भी अभी तक नहीं आया जरूर उस बारे में मैं आपको बताऊंगा वो कौन से हॉस्पिटल से कर रहे थे बिल्कुल सही कहा आपकी बार बीजेपी तड़ी पार लिख रहे हैं हबीब भाई मोहम्मद जावेद ने अल्लाह ताला करम फरमाए लिख रहे हैं मोइन पटेल ने सलाम लिखा है मुजम्मिल हुसैन तारबा सर आई एम गोइंग टू मार्केट हीट वेव टेम्परेचर क्या इस्तेमाल करना चाहिए 10 ईयर एडमिटेड जिम्स हॉस्पिटल जी जी वो तो जो है बच्चों को बाहर आप गलती से भी ना भेजें क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को खासतौर पर तो प्लीज़ बच्चों को भी आप टेक केयर करें
Daily Bulletin is presented by Manu Multispeciality Hospital, KVN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchhale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center. Opposite Government ETI, Dargah Road, STBT.